हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से चल रही होगी। और मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन सबको अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा तो आपको पूरी की पूरी जो यू नो अकाउंटेंसी का जो एक बेसिक आइडिया है वो आपके पास आ जाएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को ठीक तरीके से समझ पाओगे और आप उसको लिख पाओगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सम बेसिक टर्म्स, सबसे पहला जो टर्म है वो है एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है एंटरप्राइज, ठीक है ना। जो कंपनी का नाम होगा वो एंटिटी होगी, और कंपनी जो होगी वो उसके ओनर से अलग होगी, ऐसा जो डेफिनेशन में हमेशा कहा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ, द वर्ल्ड एंटिटी लिटरली मीन्स अ थिंग दैट हैज अ डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। एक एंटिटी का मतलब होता है कोई एक सामान, कोई एक चीज जिसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो ना ही किसी से कनेक्टेड है, ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेशली आइडेंटिफाइबल बिजनेस इंटरप्राइजेस लाइक खन्ना ज्वेलर्स, प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, ईटीसी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिजनेस एंटिटी का मतलब हो गया कि कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज, जैसे कि खन्ना ज्वेलर्स है, प्रकाश पाइप्स है, ये सारी क्या है, ये बिजनेस एंटिटीज एंटिटीज हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं, जिसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज डिवाइज फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी कॉल्ड अकाउंटिंग एंटिटी, है ना। तो कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए असाइन होता है या उसमें वो चीज लगाई जाती है, डिवाइसिव होता है, तो उस केस में हम उसे कहेंगे अकाउंटिंग एंटिटी। तो आई होप कि आपको एंटिटी शब्द का क्या मतलब है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले शब्द के बारे में, जो कि है इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। नाउ एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एंटिटी इज कॉल्ड इवेंट। तो एंटरप्राइज एंटिटी का आपको मतलब समझ में आ गया। अब कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज हो रही है, कोई भी ऐसी घटना हो रही है जिससे एक तरीके से आपके जो आपका जो एंटिटी है उसके फाइनेंशियल पोजीशन में किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है। सपोज आपके पास 5 लाख रुपए की आपकी पूरा का पूरा बिजनेस है, उसमें से 5,000 रुपए आपने जो है रेंट के लिए पेमेंट कर दिया, तो बचा आपके पास कितना, 5 लाख, माफी चाहूंगा 4,95,000 रुपए आपके पास बचे हैं, है ना। तो ये जो 5,000 रुपए आपने खर्चा कर दिया, ये भी एक किस्म का इवेंट है, क्योंकि इसमें एक फाइनेंशियल पोजीशन में आपका बदलाव आ रहा है। पहले 5 लाख थे, अभी 4,95,000 हो गए। इन अदर वर्ड्स, इवेंट इज हैपनिंग ऑफ अ कॉन्सिक्वेंस टू एन एंटिटी। अ ट्रांजेक्शन इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो ये ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया। इवेंट तो आपको समझ में आ गया कि फाइनेंशियली किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है। सपोज आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट करा, तो मैनेजर अपॉइंट करोगे तो आप सैलरी दोगे, सैलरी दोगे तो आपके फाइनेंशियल पोजिशन में बदलाव जो है वो तो आना है ना। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर काइंड का इवेंट जहां पे कुछ वैल्यू जो है आपस में एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, जहां पे एक या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब लेन देन हो रहा है किसी किस्म का, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजेक्शन। इन अदर वर्ड्स, इट इज एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन यूजली इन मनी। तो यहाँ पे क्या होगा, अदर वर्ड्स में अगर समझा जाए तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पार्टीज होंगी जो कि आपस में मिलकर के गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान करेंगी, किसके बदले में, पैसे के बदले में। अब ट्रांजेक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश मतलब जहां पे आप कैश से पेमेंट कर रहे हो, और क्रेडिट मतलब जहां पे आप उधार से पेमेंट कर रहे हो, है ना। तो कैश ट्रांजेक्शन आर दोस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ व्हीकल फॉर कैश, पेमेंट ऑफ रेंट, ईटीसी, दीज आर ऑल ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज इन्वॉल्व। मीन्स यू आर पेइंग कैश फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, उस चीज के लिए आप कैश पेमेंट कर रहे हो। लेकिन उधार में सामान लेने का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार। 15 अप्रैल 2018 को आपने उधार में खरीदा सामान, और आपने पेमेंट कब किया, कैश इज टू बी पेड ऑन 1 अगस्त 2018। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूं कि इवेंट और ट्रांजेक्शन क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, सामान क्या होता है। द टर्म गुड्स रेफर्स टू द आर्टिकल्स इन विच द बिजनेस डील्स। गुड्स का मतलब होता है वो सारी चीजें जिसमें बिजनेस जो है काम कर रहा होता है।
ओनली दोज आर्टिकल्स विच आर परचेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल आर कॉल्ड गुड्स। ऐसी कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल आप सेल करने के लिए करने वाले हो या फिर बाद में जाकर के आप उसका सेल करोगे तो उसे हम कहेंगे गुड्स। अदर आर्टिकल्स विच आर परचेस्ड फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग देम इन द बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। तो ऐसी कोई भी चीज खरीदी आपने जिसका आप सेल नहीं करोगे, जो कि आपने अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदी। सपोज मैंने कंप्यूटर खरीदा, इसको मैं किसी को सेल नहीं करूंगा बल्कि इसमें मैं अकाउंटिंग करूंगा अपना, तो ये क्या होगा? क्या हम इसे गुड्स बोलेंगे? नहीं, इसे गुड्स नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी इसको रीसेल नहीं किया जाने वाला, इसको हम सेल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ, इन केस ऑफ अ फैंस लीडर, फैंस आर गुड्स। ही मे बी हैविंग टेबल्स चेयर्स, बट उसको हम गुड्स नहीं बोलेंगे, बट दे आर नॉट गुड्स टू हिम। इन केस ऑफ अ फर्नीचर डीलर, टेबल्स एंड चेयर्स आर गुड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ही मे बी हैविंग फैंस बट दे आर नॉट गुड्स फॉर हिम। दो तरह के लोगों की बात की गई, एक वो जो फैन में डील करता है, फैन खरीदता है बेचता है, तो उसके लिए फैन गुड्स है, लेकिन टेबल चेयर भी तो उसके ऑफिस में होगा तो वो उसके लिए गुड नहीं है। लेकिन कोई फर्नीचर वाला बंदा है जो फर्नीचर में बिजनेस करता है, तो उसके पास अगर फर्नीचर होगा तो गुड्स में वो फर्नीचर आ जाएगा, लेकिन फैन तो भाई वो भी चलाता होगा, तो फैन क्या उसके लिए गुड होगा? नहीं होगा। वो उसके लिए क्या होगा? गुड्स नहीं होगा। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको गुड्स भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डेटर के बारे में। तो डेटर वो व्यक्ति होता है जो हमसे उधार में सामान खरीदता है और हम उससे बाद में पैसे रिसीव करते हैं। अ डेटर इज वन हु ओज सम अमाउंट टू द बिजनेस। एक डेटर वो होता है जो कि जिसको कि कुछ पैसे वापस करने होते हैं हमारे बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर हु परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द बिजनेस। एक व्यक्ति हमारे बिजनेस से उधार में जो है सामान लेता है, तो वो क्या करेगा? हमें बाद में वो पैसे देगा। तो जो भी हमसे उधार में सामान लेगा वो हमारे लिए क्या है? डेटर है। और जिससे हम उधार में सामान लेंगे, अब सपोज हम मैं किसी कंपनी से उधार में सामान ले रहा हूँ, तो मैं वो मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर, मैं जो उसे पैसे देने हैं, और वो तो डेटर है ना? तो इस तरीके से समझो, क्रेडिटर का मतलब क्या हो गया? अ क्रेडिटर इज वन हू द बिजनेस ओज सम अमाउंट, मतलब जहां पे बिजनेस को पैसे पेमेंट करने हैं। डेटर में बिजनेस को पैसे मिल रहे थे, क्रेडिटर में बिजनेस को पैसे किसी और को देने हैं। One who supplied goods on and or provide some services on credit to the business is creditor. ठीक है ना? I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। Books of account क्या होता है? माफी चाहूंगा। These are the different set of records. Books of account जो होता है वो different set of records होता है, whether in the form of bound books or loose sheets. Where the various business events and transactions are recorded. तो books वो चीज होती है, वो किताब नुमा चीज होती है जहां पे आप अपने transactions को record करते हो, है ना? अपने events को record करते हो, e.g. journal and ledger. Example के तौर पे बताया गया है journal और ledger. आपसे short question में पूछा जा सकता है कि which book is called the original books of entry? तो क्या बोलेंगे? Journal. क्योंकि सबसे पहले recording जो होती है वो journal में होती है, बाद में फिर उसको ledger में एक तरह से ट्रांसफर किया जाता है। इफ नेसेसरी द जर्नल एंड आल्सो द लेजर मे बी सब डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ बुक्स। अगर जरूरत पड़े तो आप जर्नल को या लेजर को अलग अलग बुक्स में भी बांट सकते हो। ये भी फैसिलिटी है। ये इसके बारे में मैं कभी और आपको बताऊंगा जब अगला वीडियो बनाऊंगा। तो एंट्री का मतलब क्या हो गया? द रिकॉर्डिंग और एंटरिंग अ ट्रांजेक्शन और इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। ठीक है? जब आप किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे अपने बुक में तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे एंट्री। ठीक है? जर्नल किसे बोलेंगे? जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल का जो बुक होता है उसे हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले चीजें जो है वहीं रिकॉर्ड होती है। इट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इन द फर्स्ट स्टेज, है ना? सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, बिजनेस इवेंट्स की, उसको हम वहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। नाउ लेजर, लेजर क्या होता है? The transactions recorded in the journal are transferred to a separate book called ledger. तो जो भी चीजें हम journal में record कर रहे हैं उसको हम transfer कर देंगे एक separate book में जिसका नाम होगा ledger. ठीक है ना? In this book, a separate account is opened and maintained for each item. है ना? इस book में हर एक account खोला जाता है हर एक group को देख करके। Suppose cash का बहुत सारा transaction है तो cash का एक account बन गया जहां पे cash के सारे transactions एक ही जगह पे record हो जाएंगे, है ना? Example में देखो दिया हुआ है capital account, salaries account, furniture account, building account, ledger. Ledger is the main book of accounting information and hence it is sometimes called the king of
बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो मेन बुक होता है अकाउंटिंग का वो लेजर होता है, इसलिए कई बार उसको जो है किंग्स किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसका राजा। ठीक है, अकाउंट भाई क्या होता है आपके मन में होगा, एन अकाउंट इज क्लासिफाइड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन और अ थिंग और एनी सब्जेक्ट। अकाउंट जो होता है एक क्लासिफाइड स्टेटमेंट होता है ट्रांजेक्शन का, जहां पे उस चीज से रिलेटेड जिसके बारे जिसका भी वो अकाउंट होगा उस चीज से रिलेटेड सारे के सारे अकाउंट जो है रिकॉर्ड वहां पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वहां पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। इट इज वर्टिकली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट इन टी शेप, इसका जो है दो भाग में इसको बांटा जाता है जो कि टी शेप का होता है, जिसमें एक तरफ डेबिट होता है दूसरी तरफ क्रेडिट होता है। द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाई दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, जिसको डेबिट बोलेंगे, जिसको डेबिट साइड बोलेंगे, एंड द बेनिफिट्स गिवन बाय दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन द राइट साइड व्हिच इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। ठीक है ना, दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग हेल्प्स इन नोइंग द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट पता चलता है कि क्या हमें प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, वेदर दैट अकाउंट हैज रिसीव्ड मोर और गिव मोर, ये हमें यहां से पता चलता है। टू डेबिट ऑन अकाउंट, कौन से चीजें जो है डेबिट होंगी, इट मींस मेकिंग एन एंट्री फॉर अ ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, मतलब आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी अकाउंट के डेबिट साइड में तो उसको बोलेंगे टू डेबिट एन अकाउंट। टू क्रेडिट एन अकाउंट मतलब जब आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो उसे हम क्या बोलेंगे, टू क्रेडिट क्रेडिट ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या हो गया, ऑन अकाउंट का मतलब हो गया पर्टिकुलर किसी का नाम, कोई संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर उस चीज का नाम वहां पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना, इट रेफर्स टू अ पार्ट रिसीट एंड पार्ट पेमेंट ऑफ मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्लियर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ओज 5,000 ऑफ विच ही पेज 3,000, दिस मे बी टर्म्ड एज रिसीव्ड 3,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन अकाउंट। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एसेट्स के बारे में भाई, कि एसेट्स क्या होता है। देखो एसेट्स के ना बहुत तरह के पार्ट है जिसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैं एसेट्स आपको बता देता हूँ अभी फिलहाल इन जनरल, लेकिन जब भी मैं डिटेल में बताऊंगा तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एसेट के बारे में। ठीक है ना, नाउ एसेट्स आर द थिंग्स ऑफ वैल्यू और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज। तो एसेट्स वो सारी चीजें होती हैं या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि एंटरप्राइज के द्वारा ओन किया जाता है, मतलब उसका मालिकाना हक जो है एंटरप्राइज के पास होता है। इन अदर वर्ड्स कैश और एनी थिंग विच इज एनेबल द बिजनेस एंटिटी टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका बेनिफिट जाकर के बिजनेस को इन फ्यूचर मिलने वाला हो उसको बेच करके कैश में, तो उसे हम क्या क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एसेट। जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल हो गया, यू नो फर्नीचर हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, कैश तो खुद अपने आप में है ही, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे एसेट। अब एसेट के बहुत तरह के प्रकार हैं, उसको मैं फिर कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा जहां पे वो चीजें डिटेल में होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में, कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर मींस द स्पेंडिंग ऑफ मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विस रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी। तो एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि आप कहीं पे पैसे खर्च कर रहे हो और उसके बदले आपको कुछ बेनिफिट या फिर सर्विस आपको मिल रहा है। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, जैसे मैंने यहाँ पे मशीनरी परचेज खरीदा तो इसके बदले आपको क्या मिला, आपको मशीन मिला जिसका आप इस्तेमाल करोगे। फर्नीचर आपने परचेज किया, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट आपने परचेज किया, आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज लिमिटेड टू वन ईयर, अगर किसी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगर एक साल के लिए होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और किसी का बेनिफिट अगर एक साल से ज्यादा समय के लिए होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, सपोज आपने किसी को रेंट दिया तो रेंट आप एक महीने का दोगे नहीं तो एक साल का दोगे एक ही बार में, लेकिन जब उसका बेनिफिट लेकिन आपको क्या मिला, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए मिल रहा है ना, एक महीना एक साल, है ना। लेकिन जब आप लैंड खरीदते हो, जब आप फर्नीचर खरीदते हो, तो क्या वो सिर्फ एक साल के लिए काम करता है, नहीं, वो एक साल से ज्यादा समय तक के लिए वो काम करता है, उसका बेनिफिट जो है आपको मिलता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज अवेलेबल फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट। कौन सा एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से इसको हम बोलेंगे। ठीक है ना, नाउ इक्विटीज क्या होता है, मैं लाइबिलिटीज तक पढ़ा करके ये पहला पार्ट बंद कर दूंगा, दूसरे पार्ट में मैं बाकी सारे पॉइंट्स को बताऊंगा। इक्विटीज क्या होता है, ऑल क्लेम्स और राइट्स ओवर द एसेट्स ऑफ एंड ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड इक्विटीज। तो किसी भी तरह का क्लेम आपके एसेट के ऊपर किसी और व्यक्ति के द्वारा वो क्या कहलाएगा, वो आपकी इक्विटी कहलाएगी। इक्विटीज आर ऑफ टू टाइप्स, क्रेडिटर्स एंड ओनर्स।
तो क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज, है ना। तो जो लोग बाहर से क्लेम करते हैं आपकी कंपनी के ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज। द क्लेम ऑफ द ओनर इज कॉल्ड ओनर्स इक्विटी। दो तरह की इक्विटी हो गई ना, क्रेडिटर्स और ओनर्स। तो क्रेडिटर्स वो लोग हो गए जिन लोगों ने आपको उधार दिया है, जिन लोगों ने आपको उधार में सामान दिया है, जिन लोगों ने आपको आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं, वो सारे लोग। और ओनर्स कैपिटल मतलब वो पैसा जो कंपनी में ओनर ने खुद से लगाए हैं या उस उतना का शेयर जो है उसके पास है, तो उसे हम कहें, उसे बोलेंगे हम इक्विटी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको किसी को कोई चीज पेमेंट करनी है तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई। जैसे कि क्रेडिटर्स इक्विटी, है ना, आपने क्रेडिटर से उधार में सामान लिया है, आपको उसको पैसे देने हैं, तो आप लायबल हो कि आपको उसको उतने पैसे जो है देने पड़ेंगे। आर द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस फर्म टू द आउटसाइडर्स अदर देन द ओनर्स, है ना। लोन फ्रॉम अ बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, आपको लोन वापस करना है, तो आप लायबिलिटी हो गए, वो लायबिलिटी है उतना सारा पैसा। क्रेडिटर फॉर गुड्स सप्लाइड, क्रेडिटर ने कोई गुड्स आपको सप्लाई किया है, उसका पैसा उसको देना है, तो उतने पैसे का जो है आपके ऊपर लायबिलिटी है। रेंट आपको पे करना है तो उसकी लायबिलिटी है, सैलरी पे करना है उसकी लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पे करना है लेंडर को उसकी लायबिलिटी है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटीज। इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको लायबिलिटीज तक बताया है और काफी लंबा ये लेक्चर भी हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं अकाउंटिंग के, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।